फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल एग्री विद अवंत। टुडे फर्दर कंटिन्यू अवर एंटमोलॉजी सीरीज। टुडे डिस्कस अबाउट द माउथ पार्ट्स एंड देयर मॉडिफिकेशंस। अगर हम इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स की बात करें तो बेसिकली ये सिक्स पार्ट्स से मिलकर बना होता है। फर्स्टली होता है हमारा लेबरम, जिसे हम अपर लिप भी कहते हैं। फिर होता हमारा पेयर ऑफ मैंडिबल्स या एंटीरियर पेयर ऑफ जोज। एंटीरियर पेयर ऑफ जोज को हम प्राइमरी जोज भी कहते हैं। फिर हमारा होता है लेबरम एपिफेरेंक्स, जिसे जिसके अंदर ऑर्गन ऑफ टेस्ट होता है, जो हमें जैसे हमारी जीभ होती है जो टेस्ट करने का काम करती है, उसी तरह इनमें लेबरम एपिफेरेंक्स होता है जो टेस्ट करने का काम करता है इंसेक्ट के अंदर। फिर होता हमारा मैगजिले, जिसे हम पोस्टीरियर पेयर ऑफ जोज भी कहते हैं या सेकेंडरी जोज जो होते हैं। फिर होता है हमारा लेबियम, जो लोअर लिप होता है। लेबरम होता है अपर लिप, लेबियम होता है लोअर लिप, मैगजिले होता है हमारा सेकेंडरी जोज और मैंडिबल्स होता है हमारा प्राइमरी जोज। लास्ट में होता है हाइपोफेरेंक्स, जो इसके इंसेक्ट के अंदर टंग का काम करता है। अलग अलग पार्ट मॉडिफाई हुए हैं। सबसे पहला हमारा मैंडिबुलेट टाइप। मैंडिबुलेट टाइप में तीन तरह के होते हैं मॉडिफिकेशन। पहला है बीटिंग एंड चीविंग टाइप, जो काटने और चबाने का काम करते हैं। फिर होता है हमारा चीविंग एंड लैपिंग टाइप। ये मैंडिबुलेट के दो टाइप हैं। ठीक है, मैंडिबुलेट के बाद हमारा आता है हाउस टिलेट टाइप। इसके अंदर जो पियर्सिंग और सकिंग टाइप होता है, जो सक करने का काम करते हैं, एक स्पॉन्जिंग टाइप और एक सिफोनिंग टाइप। इसके तीन टाइप हैं हाउस्टुलेट के। सबसे पहले हम मैंडिबुलेट के फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, जो बीटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं। वो किसके अंदर पाए जाते हैं? वो कॉकरोच के अंदर और ग्रास हॉपर के अंदर पाए जाते हैं। इसमें किस तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, हम हर ऑर्गन हर पार्ट के वाइज इसको देखते चलेंगे। सबसे पहले बीटिंग और चीविंग टाइप में हम देखते हैं लेबरम में क्या होता है। लेबरम जो अटैच होता है डायरेक्टली हेड कैप्सूल से, किसके थ्रू? क्लिपियो लेबरल सुट्यूर के थ्रू, जो क्लैपस के नीचे होता है डायरेक्ट। ये सब मैंने क्लैपस फ्रॉन्स वगैरह सब कुछ लेबल ये सुट्यूर सब कुछ मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। आप एक बार अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही तो वो पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। इट पुल द ये लेबरम क्या काम करता है? जो फूड मटेरियल है उसको अंदर पुल करने का काम करता है लेबरम हमारा। अगर हम मैंडिबल्स की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं किसके अंदर, जो हमारे बीटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट्स हैं। ये ट्रायंगुलर होता है आउटलाइन के अंदर, बेसिकली इसमें ट्रायंगुलर टाइप में स्ट्रक्चर होता है और ये हार्ड होता है, थिक होता है, और जो इसका इनर मार्जिन है उसमें टीथ लाइक प्रोजेक्शन होता है। जैसे हमारे दांत होते हैं, हमारे इंसीजर्स इंसेक्ट के अंदर भी इसको इंसीजर कहते हैं, जो काटने का और उसको बिल्कुल फाड़ने का काम करते हैं। फूड को कट करते हैं छोटे छोटे पीसेज में, ताकि वो फर्दर आगे जा सके। ये सारे मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा दूंगा कैसे होते हैं। अगर हम मैगजिले की बात करें तो ये दो होते हैं नंबर में, और प्रत्येक मैगजुला जो आर्टिकुलेट विद हेड कैप्सूल बाय द बेसल स्क्लेराइट कार्डो, ये बेसल स्क्लेराइट कार्डो से जुड़ा होता है। और कार्डो के बाद कौन सा स्क्लेराइट आता है? हमारा स्टिपस, जो रेक्टेंगुलर होता है शेप में, और इसके अंदर स्मॉल छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं लेटरल टर्मिनल, जिनको हम पेल्पीफर कहते हैं, और इसका मेन काम होता है सेंसरी फंक्शन। अब आप इसको एक बार डायग्रामेटिकली देखिए, क्योंकि उसी से समझ आता है, डायग्राम से ही हमेशा समझ आता है। हमने बात की थी किसकी? लेबरम की। लेबरम का देखो आप, ये हमारा हो गया मैगजिले, ठीक है, ये भी हमारा मैगजिले है, ये हमारा लेबियम है, ये हमारा लेबरम है, ये हमारा मैंडिबल है, ये दोनों मैंडिबल हैं, ठीक है। लेबरम देखो, लेबरम कहाँ से अटैच होता है? क्लाइपस से। ऊपर इसके क्लाइपस है, इसके डायरेक्ट नीचे हमारा लेबरम है। ये माउथ के मेनली मूवमेंट वगैरह में काम आता है। हमने मैंडिबल की बात की थी। मैंडिबल देखो आप, ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में है, और ये ग्राइंडिंग रीजन आ गया ये वाला, ये थोड़ा ट्रायंगुलर है। इसमें इंसीजर ये दांत वगैरह का काम करते हैं, जो काटने और फाड़ने का काम करते हैं इसके अंदर बीटिंग एंड चीविंग टाइप में। और हमने किसकी बात करी है? हमने बात की है इसके अंदर मैगजिले की। मैगजिले किससे जुड़ा होता है? सबसे पहले कार्डो से। कार्डो के बाद एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टिप्स कहते हैं। और स्टिप्स के बाद एक छोटा सा प्रोसेस आता है, जिसे हम पेल्पी फर कहते हैं, ठीक है। पेल्पी फर ये वाला रीजन पूरा का पूरा सेंसरी होता है ऑर्गन में। और मैगजिले कितने टाइप के होते हैं टोटल? मतलब मीन्स कितने होते हैं टोटल? दो होते हैं। और इसी तरह हमारे मैंडिबल्स भी दो होते हैं, जो मेनली काटने और फाड़ने का काम करते हैं इसके अंदर। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं हमारी मैंडिबल्स, और मैगजिले सेंसरी का काम करते हैं, और लेबरम हमारे फूड को अंदर ले जाने का काम करते हैं। हाइपोफेरेंक्स और लेबियम को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में? लेबरम, मैंडिबल और मैगजिले, यहाँ तक मेरे हिसाब से तो क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए आपका।
अगर हम लेबियम की बात करें तो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हमारा, प्रीमेंटम और पोस्टमेंटम। इनके फर्दर सब डिवीजन है पोस्टमेंटम के। सबसे पहले प्रीमेंटम देखो, प्रीमेंटम एक ब्रॉड प्लेट लाइक होता है जो कि एक स्मॉल प्रोजेक्शन जिसको हम पेल्पिकर से ये अटैच होता है, ठीक है। पोस्टमेंटम की अगर हम बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, सबमेंटम और मेंटम। सबमेंटम हमारा बेसल स्क्लेराइट है और मेंटम हमारा स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ लेबियम नेक्स्ट टू द सबमेंटम। ये छोटा सा पोर्शन होता है जो किसके बाद प्रेजेंट होता है, जो सबमेंटम के बाद में प्रेजेंट होता है हमारा मेंटम। इसको मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, लेबियम। लेबियम के अंदर ये ऊपर वाला जो हमने सबमेंटम का डिस्कस किया था, ये वाला सारा रीजन हो गया हमारा सबमेंटम। सबमेंटम के बाद छोटा सा पोर्शन कौन सा था हमारा, मेंटम। ये वाला हमारा मेंटम पोर्शन आ गया। ये हमारा क्या था, हमने पेल्पिगर की बात की थी, ये छोटा सा पोर्शन था जो हमारा, और ये पूरा का पूरा हमारा लेबियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा पैराग्लव्स आ गए और इसी के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट था, हमारा प्रीवेंटम भी इसी में था और पोस्टवेंटम भी था, ये इसके। और अब लेबियम के अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, अगर मान लिया अपने से एग्जांपल लेके देखो एक बार, हम मान लिया फूड अंदर खाने को इनगल्फ करते हैं और हमारा जो बक्कल कैविटी नीचे वाले हमारा जो तलवा होता है वहाँ से लीकेज हो जाए तो क्या फ़ायदा उसका, वो अंदर ही नहीं जा पाएगा। तो उसी तरह इंसेक्ट के अंदर ये फूड की लीकेज को प्रिवेंट करता है, कहाँ से, लोअर साइड ऑफ द बक्कल कैविटी, कि बक्कल कैविटी के नीचे वाले रीजन से फूड लीक ना हो जाए। वो काम कौन करता है, हमारा लेबियम। हाइपोफेरेंक्स की अगर हम बात करें तो ये लास्ट वाला हमारा पार्ट है, इसका टाइप है स्मॉल लोब लाइक स्ट्रक्चर विच अराइज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बक्कल कैविटी। एक छोटा सा लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बक्कल कैविटी से अराइज होता है, जिसे हम टंग भी कहते हैं, ठीक है। ये आप हाइपोफेरेंक्स को देखो, अब ये हमारा हाइपोफेरेंक्स हो गया, छोटा सा लोब लाइक स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल। हमने लेब्रम की बात कर ली, हमने मैंडिबल की बात कर ली, हमने मैक्सिलाई की बात कर ली, हमने लेबियम की बात कर ली। लेबियम में हमारा क्या था, प्रीमेंटम और पोस्टमेंटम। पोस्टमेंटम हमारा फर्दर डिवाइडेड था सबमेंटम में और मेंटम में। ये हमारा चीविंग और बीटिंग टाइप, बाइटिंग टाइप का यहाँ तक मेरे हिसाब से क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं चीविंग और लैपिंग टाइप के माउथ पार्ट्स की। चीविंग और लैपिंग किस में पाए जाते हैं, हनी बी के अंदर पाए जाते हैं। इसमें जो लेब्रम है हमारा, उसमें थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर था, इसमें थोड़ा स्मॉल सेमी सर्कुलर लोब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये बेसिकली किस में यूज किया जाता है, चीविंग में, चबाने के अंदर मेनली लेबरम का यूज होता है। जो मैंडिबल है इसमें स्पून शेप होके हो जाते हैं और ये किसके काम आते हैं, माउल्डिंग ऑफ वैक्स, जो वैक्स को इकट्ठा वगैरह करने में मैंडिबल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनका चीविंग में इसमें यूज नहीं होता है मैंडिबल्स का। अगर मैक्सिले की बात करें तो ये रिड्यूस हो जाते हैं साइज के अंदर, और जो हमारा गेलिया है ये मॉडिफाई होता है ब्रॉड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में। इसी अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं एक बार। ये देखो ये हमारे क्या है, मैंडिबल्स हैं, ये स्पून शेप के हो गए, चम्मच की तरह देखो आप इसको। और हमारा मैक्सिला है ये क्या होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारे मैक्सिल पाल्प्स हो गए, ठीक है, ये हमारे लेबियल पाल्प्स हो गए, फिर हमारा ग्लोसा हो गया और ये हमारा फ्लेबिलम हो गया। ये सारा इसका स्ट्रक्चर है जो हनी बी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मैंडिबल्स हमारे स्पून हो गया और लेबरम हमारा सेमी सर्कुलर लोब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। अगर हम लेबियम की बात करें तो ये पैराग्लोसा है, इसके अंदर वो रिड्यूस होते हैं, छोटे छोटे लोब्स में रिड्यूस हो जाते हैं। और जो हमारा ग्लोसाई है ये फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो ग्लोसिया ये आपस में फ्यूज होके और एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसके हम ग्लोसल टंग कहते हैं, जो टंग का काम करता है। और जो ग्लोसल टंग है ये ग्रूड होते हैं वेंट्रली, मीन्स ये धसी हुई होती है अंदर की तरफ, और ये अप एंड डाउन मूवमेंट में काम करती है। ग्लोसल टंग ऊपर नीचे इस तरह काम करती है। और जो एक पेयर ऑफ लेबियल पाल्प्स हैं इसके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। हम इसको डायग्राम में देखेंगे एक बार फिर से। लेबियल पाल्प्स की अगर बात करें, लेबियल पाल्प और ग्लेया ये दोनों मिलके क्या करेंगे, हमारे ग्लोसल टंग के अराउंड में से एक सर्कल डेवलप कर लेंगे और यही हमारा फूड चैनल का काम करेगा। मीन्स जैसे हमारी ईसोफेगस होती है उसी तरह इसके अंदर लेबियल पाल्प्स और ग्लेया ये दोनों सर्कल बना लेंगे, किसके अराउंड में, ग्लोसल टंग के अराउंड में, और फूड चैनल बनाने का काम करेंगे। और इसके अंदर हाइपोफेरेंक्स हमारा अब्सेंट होता है। अब एक बार इसको फिर से डायग्राम में देखो, ठीक है। ये देखो लेबियल पाल्प्स इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं, एक पेयर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक पेयर हो गया ना। फिर इसी तरह हमारा ग्लोसा हो गया, जैसे आपने कभी हनी भी देखी भी हो वैसे चूसने का काम करती है, नीचे से फ्लेबिलम से लेके ऊपर ग्लोसा में जाएगा। और ये दोनों इसके अगर अराउंड में हो गए, सर्कल में डेवलप हो गए,
तो क्या करेगा, फूड चैनल बनाने का काम करेगा। ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है। ये हमारा मैक्सिले था, ये हमारा ऊपर मैंडिबल स्पून लाइक स्ट्रक्चर था, और ये हमारी मैक्सिलरी पाल्प्स थी। ठीक है, ये हमारा अब तक क्या कौन सा हो गया, क्लियर हो गया। ये अगर हम पियर्सिंग एंड सेकेंड टाइप की माउथ पार्ट्स की बात करें, तो ये लिक्विड फूड के ऊपर फीड करते हैं। जो भी लिक्विड मटेरियल है, जैसे प्लांट का सैप है जिसके ऊपर बग्स हमारा फीड अप करते हैं, एनिमल ब्लड है जैसे मॉस्किटो हमें काटते हैं, मच्छर काटते हैं, पशुओं को भी काटते हैं, तो वो एनिमल ब्लड के ऊपर फीड करते हैं। अगर हम बग टाइप की बात करें, तो इसको अगर हम पूरे डिटेल में देखते हैं एक बार, लेबरम इसके अंदर क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है और समवट इलोंगेटेड, मीन्स थोड़ा पतला हो जाएगा और इलोंगेटेड एक लंबा लंबा स्ट्रक्चर हो जाएगा लेबरम इसके अंदर बग टाइप में। मैंडिबल और मैक्सिले की बात करें, तो ये भी छोटे हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं और सिंपल नैरो। इसके अंदर एक खासियत है, पूरे बग टाइप में आप देखोगे सब के सब नैरो हो जाएंगे थोड़े थोड़े, और एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे, पूरा लंबा स्ट्रक्चर बन जाएगा और निडल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम स्टाइलेट्स भी कहते हैं। मैंडिबल्स और मैक्सिले ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे और लंबे हो जाएंगे, पतले और लंबे, और क्या हो जाएंगे, ये एक निडल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे हम स्टाइलेट्स कहते हैं। दो मैक्सिलरी स्टाइलेट मिलके आपस में एक दूसरे के कनेक्शन में आगे क्या बनाएंगे, डोर्सल फूड चैनल बनाएंगे और एक वेंट्रल चैनल बनाएंगे। ये दोनों मैक्सिलरी स्टाइलेट करने अपना काम करेंगे। इसी तरह हम लेबियम की बात करें, तो ये भी एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना लेगा, जो ग्रूव डोर्सली, जो डोर्सली ग्रूव होगा मीन्स धसा हुआ होगा, इसके अंदर 3 से 4 सेगमेंट होंगे। इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि जो भी माउथ पार्ट अगर यूज में नहीं है उस टाइम पे वो उनको इनक्लोज करने का काम करें। मीन्स अगर हमारा अपने से एग्जांपल लेके देखो, हमारा अगर मुंह का यूज नहीं तो हम उसको बंद रखते हैं ना, तो उसी तरह इंसेक्ट में भी, बग में भी ये लेबियम ये काम करता है कि उसको बंद करने का काम करे, और लेबियम के ऊपर कोई हेयर नहीं होते। और इसी तरह हाइपोफेरेंक्स में भी इसमें बहुत ज़्यादा वो पतला हो जाता है और थोड़ा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना देता है। अब इसको एक बार डायग्राम से देखो, ठीक है, ये हमारा लेबरम है जो थोड़ा बहुत इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये हमारे मैंडिबल्स हैं। ठीक है, ये मैंडिबल्स हो गए। इसी तरह ये हमारा मैक्सिले है, और हमारा लेबियम की हमने बात की थी, इसमें 3-4 सेगमेंट हैं। ये सब, ये सारे के सारे सेगमेंट हैं इसके अंदर, ये 3-4 हैं, ये सब हमारे इसके सेगमेंट हैं। और लेबियम क्या काम करता है, जब उसके यूज नहीं है तो उसको बंद करने का काम करता है, इनक्लोज करने का काम करता है। हाइपोफेरेंक्स इसमें छोटा हो जाता है और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना लेता है थोड़ा, हाँ नैरो हो के। ये हमारा कौन सा हो गया, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप में बग टाइप हो गया। अगर हम इसी तरह मॉस्किटो टाइप की बात करें, तो इसमें लेबरम और भी ज़्यादा इलोंगेटेड हो जाता है, उसमें तो था इलोंगेटेड, इसमें और भी ज़्यादा इलोंगेटेड हो गया, और इसे हम लेबरम एपीफेरेंक्स कहते हैं। लेबरम एपीफेरेंक्स और हाइपोफेरेंक्स ये दोनों मिलकर फूड चैनल बनाने का काम करते हैं मॉस्किटो में। और पिछले वाले हमने देखा था कि दो मैक्सिलरी स्टाइलेट क्या बनाते हैं, वो फूड चैनल बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या बनाता है, लेबरम एपीफेरेंक्स और हाइपोफेरेंक्स ये दोनों मिलकर हमारे फूड चैनल बनाने का काम करते हैं। अगर हम लेबियम की बात करें, तो ये भी एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ट्यूब की तरह बन जाता है लंबा लंबा, और ये ग्रूव डोर्सली मीन्स ये धसा हुआ होता है डोर्सली टाइप में, और अनसेगमेंटेड होता है, इसमें कोई सेगमेंट नहीं होते। उसमें सेगमेंट थे पीछे वाले में, उस लेबियम में 3-4 सेगमेंट थे, यही इनमें मेन डिफरेंस है। मॉस्किटो और बग में आप मेन डिफरेंस क्या याद रखोगे, कि वो वाले इलोंगेटेड थे बग वाले, लेकिन मॉस्किटो में भी सभी उससे ज़्यादा इलोंगेटेड, उससे ज़्यादा लंबे हैं, और उस वाले में लेबियम सेगमेंटेड था 3-4 रीजन में, इसमें अनसेगमेंटेड है, उसमें हेयर्स प्रेजेंट नहीं थे टिप पे, और इसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट है टिप में। ठीक है, ये इसका मेन डिफरेंस है। इस लेबियम के अंदर एक पेयर ऑफ सेंसरी लोब भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम लेबिला कहते हैं। ये मेनली सेंसरी, जो सेंसरी ऑर्गन वाला काम करता है ना, ये सब लेबियम वाला लेबिला ही करता है। अगर हम हाइपोफेरेंक्स की बात करें, तो ये ज़्यादा इलोंगेटेड होता है और डबल एजिड स्वॉर्ड की तरह होता है, दो धारी तलवार होती है ना हमारी, उसकी तरह हमारा हाइपोफेरेंक्स होता है इसमें, और ज़्यादा इलोंगेटेड होता है। ये हमारा मॉस्किटो टाइप था, इसमें बेसिकली सब के सब ज़्यादा इलोंगेटेड हैं बग टाइप से, और लेबरम एपीफेरेंक्स और हाइपोफेरेंक्स मिलकर फूड चैनल बनाने का काम करते हैं। अगर हम सिपहोनिंग टाइप माउथ पार्ट्स की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट है, बटरफ्लाइज और मोथ्स इसके एग्जांपल हैं। लेबरम इसके अंदर रिड्यूस हो जाता है एक छोटा सा स्मॉल ट्रांसवर्स बैंड में तब्दील हो जाता है। और मैंडिबल्स की अगर हम बात करें, तो ये नॉर्मली अब्सेंट होते हैं इसके अंदर, अगर प्रेजेंट होते भी हैं तो ये नॉन फंक्शनल होते हैं, मीन्स ये कोई कार्य अच्छा खासा नहीं करते। मैक्सिले ये रिड्यूस हो जाते हैं, और सिर्फ इसके अंदर ग्लेइया है जो हमारा, वो हाईली मॉडिफाइड होता है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका होता है,
और ये इनलार्ज हो जाता है इंटरनली ग्रूव्ड स्ट्रक्चर, जो मीन्स अंदर की तरफ ग्रूव्ड होता है उसमें ये तब्दील हो जाता है। ग्लेया हाईली मोडिफाइड होते हैं। दो ग्लेया मिलके फूड चैनल बनाने का काम करते हैं, मीन्स एक ग्लेया और दूसरा ग्लेया, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, फूड चैनल, जो फूड पाइप बनाने का काम करते हैं। ग्लेया इसके अंदर ज़्यादा इलोंगेटेड ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम प्रोबिस्कस भी कहते हैं, प्रोबिसिस, ठीक है। इसके अंदर एक पेयर ऑफ लेबियल पाल्प होते हैं जो वेल डेवलप्ड होते हैं, मीन्स हाईली मॉडिफाइड होते हैं। हाइपोफेरेंक्स इसके अंदर अब्सेंट होता है, ठीक है। अब इसको एक बार डायग्राम से देखो आप, ये इसका डायग्राम है, ये हमारा ग्लेया हो गया, ये वाला हमारा ग्लेया हो गया, फिर ये लेबियल पाल्प्स हो गए जो हमारे मॉडिफाइड हैं और वेल डेवलप्ड हैं, और ये प्रोबिस्कस हो गया हमारा। ये ऐसे देखो, आपने कभी बटरफ्लाई मोथ में देखा भी हो तो उनके ऐसे राउंड राउंड शेप में होते हैं हमारा सब कुछ, ये प्रोविस्कस, ये भी हाईली मॉडिफाइड होता है, ठीक है। ये इसका लेब्रम हो गया हमारा, ये वाला हेड वाला रीजन हो गया, और ये सारे के सारे माउथ पार्ट हो गए। आप अगर एग्जाम में आता है तो आप उस चीज़ का डायग्राम जरूर बनाओगे, क्योंकि डायग्राम से ही सामने वाले का कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। ये उसका लेबियल पाल्प है, ये ग्लेया है, और ये सारे का सारा फूड चैनल बनाने का काम करता है, जो दो ग्लेया मिलके, एक ये वाला ग्लेया हो गया और ये वाला हो गया, ये दोनों ग्लेया मिलके क्या बनाएंगे, फूड चैनल बनाने का काम करेंगे। यही बात हमने यहाँ पे दिखी थी कि दो ग्लेया क्या बनाएंगे, फूड चैनल बनाएंगे, और ग्लेया ज़्यादा एलोंगेटेड होता है इसके अंदर। अब हम हमारे लास्ट टाइप के माउथ पार्ट की बात करेंगे, वह है स्पॉन्जिंग टाइप। ये बेसिकली क्या होता है, ये किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबिस्कस से, प्रोबोसिस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो किससे फॉर्म होता है, लेबियम से। प्रोबोसिस इसमें तीन टाइप में डिवाइडेड किया हमने, बेसल रोस्ट्रम, मिडल हाउस्टेलम और डिस्टल लेबेलम, ये तीन टाइप में हमारा प्रोबोसिस हमारा डिवाइडेड है। लेबेलम क्या होता है, हमारा एक स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसवर होता है एक नंबर ऑफ नैरो ट्रांसवर्स चैनल्स कॉल्ड सूडो ट्रेकिया। यह आपको जब तक डायग्राम देखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले आपको डायग्राम दिखाता हूँ एक बार। ये देखो, ये हमारा लेबेलम है, ठीक है। अगर आपने भी बिल्कुल ध्यान से देखी होगी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखी होगी, तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमारा नीचे वाला लेबेलम, लेबेला है, और ये हमारे सूडो ट्रैकिया है। ये देखो छोटी छोटी लाइन में ये सब डिवाइडेड है ना, ये हमारे सूडो ट्रैकिया है। ये हमारा सारा का सारा आगे फूड चैनल है, हाइपोफेरेंक्स है, लेबरम है, ये हमारा लेबियम है, ठीक है। अब आगे देखो एक बार, ठीक है। ये हमारे सूडो ट्रैकिया हैं, जो अलग अलग जो नैरो बैंड्स देखे थे ना आपने, जो नैरो चैनल्स थे, वो हमारे सूडो ट्रैकिया थे। और जो फूड हमारा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो लेबियम से स्टार्ट होता है। फूड एंटर होता है हमारे फूड चैनल के अंदर, जो किससे फॉर्म होता है, लेबरम, हाइपो एपीफेरेंक्स से और हाइपोफेरेंक्स से। हमारा फूड चैनल किससे मिलकर बना होता है, इस टाइप में स्पॉन्जिंग में, लेबरम, एपीफेरेंक्स और हाइपोफेरेंक्स से मिलकर बना होता है। मैंडिबल्स जनरली इसमें अब्सेंट होते हैं। और फीडिंग के दौरान क्या होता है, जो हमारा प्रोबिस्कस है, जो सामने वाला रीजन है, वो उसके ऊपर प्रेस, फूड के ऊपर, फूड मेटल के ऊपर प्रेस हो जाता है और वहां से सक करता है, मीन्स ऐसे चूसने का काम करता है, प्रोबोसिस हो गया। फिर उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, सूडो ट्रैकिया। सूडो ट्रैकिया के अंदर कैपिलरी एक्शन होगा, मीन्स जो कैपिलरी की तरह, जैसे हमारा प्लांट ऊपर की तरफ पानी लेता है ना कैपिलरी एक्शन से, उसी तरह ये पानी मीन्स फूड को इनगल्फ करेगा और फिर वो इसोफेगस में जाएगा। इसका एग्जाम्पल है हमारा क्या है, हाउस फ्लाई। देख, प्रोबोसिस है, सूडो ट्रैकिया है, इसके अंदर कैपिलरी एक्शन होगा, कैपिलरी एक्शन के बाद हमारे इसोफेगस में चला जाएगा, यही इसकी मेन प्रोसेस होती है। ये देखो, यहाँ से हो गया, यहाँ से फूड मेटल जाएगा, इसके अंदर कैपिलरी एक्शन होगा, फिर ये ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा, और उसके लास्ट में हमारे सारे के सारे इसोफेगस, ये फूड चैनल तो ये हो ही गया, यहाँ से आगे उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूटिलाइज हो जाएगा। ये हमारा फाइनल पार्ट था, इसका एग्जाम्पल था हाउस फ्लाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।